नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप IVTV देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं RJD के कार्यालय में और आपको बता दें कि यहाँ पर चहलकदमी जो है वो बढ़ गई है। लोग तेजस्वी यादव के पिता बनने के बाद खुशियाँ बांट रहे हैं। यहाँ पर एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही है। यहाँ बता दें कि 9:53 पर खुद तेजस्वी यादव ने इस बात की जानकारी दी थी कि वो पिता बन गए, उनको एक बेटी हुई है। अभी भी इस बात की खुशियाँ RJD कार्यालय में मनाई जा रही हैं। बता दें कि तेजस्वी यादव के बेटी होने पर अलग अलग तरह के ट्विटर और सोशल मीडिया पर उनको लोग जो है बधाई दे रहे हैं और ऐसे में RJD कार्यालय के भीतर भी ये खुशियां साफ तौर पर नजर आ रही हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ RJD के प्रवक्ता एजाज जी हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बेटी हुई है और ऐसे में तेज प्रताप यादव ये कह रहे हैं कि अब सारी दुख परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जिस तरीके से राजश्री को लक्ष्मी मान रहे थे लालू परिवार या जो लालू के समर्थक थे, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सभी लोगों को पता है कि जिस घर में कुदरत की मेहरबानी होती है उसी घर में बेटियां होती हैं और बेटी का होना ही शुभ संकेत है। और स्पष्ट रूप से देखिए, जिस तरह का माहौल क्रिएट किया गया, उस माहौल में बच्ची का होना और बच्ची का आना ये बेहतर है और कहीं ना कहीं जो परेशानियां हैं वो खुशियां में बदली है। और लालू प्रसाद जी जो दादा बने, श्रीमती राबड़ी देवी जी जो दादी बनी और तेजस्वी जी जो उप मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी धर्मपत्नी राजश्री जी ने बिहार के लोगों को जो बेटी के रूप में तोहफा दिया है, ये महिला सशक्तिकरण के प्रति जो राष्ट्रीय जनता दल की सोच है और राष्ट्रीय जनता दल ने हमेशा महिलाओं के मान सम्मान के प्रति जो सोच को प्रदर्शित किया है उसको कुदरत ने भी पसंद किया है। आज कुदरत की मेहरबानी से उनके घर बच्ची हुई है। नवरात्र का वक्त चल रहा है और ऐसे में आज माँ के 7वें रूप की पूजा हो रही है। एक तरफ तेजस्वी यादव को बेटी हुई है, दूसरी तरफ ये भी देखे जब राजश्री आई थी तो उसके कुछ दिनों बाद ही जैसे ही तेजस्वी यादव ने शादी की, उप मुख्यमंत्री को लेकर उनको एक पद मिला, तो क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, नवरात्रा भी है और रमज़ान का महीना भी है, दोनों जो पवित्र सप्ताह है उसमें पुत्री का होना ये बेहतर संकेत है। और स्पष्ट रूप से जो भगवान है, जो अल्लाह है, उनकी मेहरबानियाँ स्पष्ट रूप से सामने आई है। मिठाइयाँ बट गई RJD कार्यालय में? मिठाइयाँ भी बटी, सब ने एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई, सभी पत्रकारों को भी मिठाइयाँ खिलाई गई और मिठाइयाँ इस खुशी में कि बिहार और बिहार को जो तोहफा मिला है ये तोहफा आने वाले समय में बेहतर संकेत है। देखिए, तेजस्वी यादव की बेटी होने के बाद RJD कार्यालय में आपको खुशी का वो माहौल नजर आएगा। हमारे साथ सारिका जी हैं, क्या कहेंगे? एक तरफ नवरात्र चल रहा है, आज उसका 7वां दिन है, छठ का जैसे महापर्व का सज्जा अर्घ है आज, और ऐसे में रमजान का महीना भी चल रहा है और इस बीच तेजस्वी यादव को एक बेटी हुई है, तो कितना लकी मानते हैं? देखिए, मैं वो लक और अनलक पे तो नहीं जाऊंगी, लेकिन मुझे लगता है कि बेटी जिसकी भी घर में पैदा लेती है, कहते हैं ना, बेटी खुशियाँ लेकर के आती है, सौभाग्य लेकर के आती है, और वो जिस भी घर में पैदा होती है तो उस घर का जो कहते हैं ना भाग्य जग जाता है। और आज हमारे डिप्टी CM के घर में बेटी पैदा हुई है। आपने पहले ही कह दिया कि रमज़ान का पावन महीना चल रहा है, नवरात्र का आज 7वां दिन है और ऊपर से आज छठ जो हमारे बिहार का बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है, उसमें आज पहली अर्घ का दिन है और उसमें हमारे डिप्टी CM के घर में बेटी पैदा हुई, तो एक मतलब कहते हैं ना कि बहुत सारी खुशियों के साथ वो बेटी पैदा हुई है। और अभी जिस तरीके से लगातार आप देख रहे थे जो माहौल बना हुआ था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और उसके बाद इस तरह से खुशी आती है, तो वो खुशी एक अलग ही जो कहते हैं ना माहौल पैदा करती है। और निश्चित रूप से आज हम सब बहुत खुश हैं, आज हर बिहार का व्यक्ति कोई ना कोई रिश्ते से आज अपने आप को खुश महसूस कर रहा है। कोई मामा बन गया, कोई चाचा बन गया, कोई दादा बन गया, कोई नाना बन गया, कोई बुआ बन गया, कोई मौसी बन गया, तो आज सारे लोग बहुत खुश हैं। क्या लगता है कब तक तेजस्वी यादव पटना आएंगे और आप लोगों को कब, जैसा कि आप बोल रहे कि आप मौसी बन गए, तो कब देख पाएंगे अपनी बेटी? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बहुत जल्द तेजस्वी यादव जी आएंगे, क्योंकि एक बाप होने के अलावा भी उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो बिहार की जिम्मेदारी है उनके कंधों पे है, डिप्टी CM है वो हमारे राज्य के, तो निश्चित रूप से वो अपने राज्य के लिए तो आएंगे ही कार्य को देखने के लिए, और बेटी भी आएंगी, बहुत जल्द आएंगी, और जब आएंगी तो मुझे लगता है कि वो दिन भी हमारे लिए खास होगा, उस दिन हम लोग एक अलग तरह से खुशियाँ मनाएंगे। किस तरीके से खुशियाँ मनाएंगे?
नहीं, आज तो हम लोगों ने बहुत ही मतलब एक दूसरे को मिठाई खिलाई है, देखते हैं हम लोग बैठ के सोहर वोहर भी गाएंगे। अच्छा कार्यक्रम होगा सोहर। बिल्कुल, हम महिलाओं का तो है आयोजन, क्योंकि इसके पहले भी हम लोग गाए थे तेजस्वी यादव जी के जन्मदिन के दिन, तो आज बेटी हुई है तो निश्चित वो तो बनता है ना। तो देखिए तेजस्वी यादव अब पिता बन गए हैं, बिहार के डिप्टी सीएम को अब एक पिता की जिम्मेदारी भी निभानी होगी, और ऐसे में लालू परिवार खुश है, लालू को चाहने वाले लोग खुश है। लंबे वक्त से इस बात का इंतज़ार किया जा रहा था कि आखिर तेजस्वी यादव कब पिता बनेंगे, लालू के घर में कब किलकारियाँ गूंजेंगी, और ऐसे में देखिए कि कितने शुभ अवसर पर तेजस्वी यादव पिता बने हैं। राजश्री ने एक बच्ची को जन्म दिया है, और इसको लेकर आरजेडी के जो लोग हैं, प्रवक्ता हैं, समर्थक है, उनका ये कहना है कि अब लालू परिवार से वो सारी दुख दुविधाएं खत्म हो जाएंगी जो लालू परिवार पर बनी हुई है। काफी लकी मान रहे हैं लोग तेजस्वी यादव की बेटी को, और लकी मानने के पीछे की वजह ये है कि आज नवरात्रा का सातवां दिन चल रहा है, रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, और ऐसे में देखिए कि आज छठ का सज्जा अर्घ भी है। आप इन मुद्दों पर क्या सोचते हैं, हम तक अपनी राय कमेंट के जरिए दीजिए। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहें आईवीटीवी के साथ। धन्यवाद। टफकॉन XT 600 HCR TMT रिबा, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ, घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ टफकॉन XT के साथ।